ओके भाई लोग, तो कल नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज की गई थी जिसका नाम है द जेंटलमैन। खत्म कर दिया है मैंने एंड आज के इस वीडियो में अपन लोग इस पर ही बात करेंगे। मींस ये शो कैसा है एंड इन केस अगर आपको क्राइम ड्रामास देखना पसंद है तो क्या ये शो आपका टाइम डिजर्व करता है। तो इंटरेस्टेड हो तो ट्राई करना, वीडियो को पूरा देख जाओ और चैनल पर नए हो ऐसे रिव्यू वीडियोस देखना पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लैपसैंग सू चोंग। बाकी भाई अगर बेसिक डिटेल से स्टार्ट के तो इसके सीजन को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने हैं जिनकी जो लेंथ है वो 1 घंटे के आसपास देखने को मिलेगी। हिंदी डब में जाएगा एंड हिंदी डबिंग काफी बढ़िया की है। इवन कुछ आपको एडल्ट डायलॉग सुनने को मिलेंगे जिनको सुन करके आपको मजा आ जाएगा। कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे सिचुएशन पे मारे गए हैं हिंदी डब में जो कि भाई डेफिनेटली आपको हंसा देंगे। तो ओवरऑल मेरी नजर में इसकी जो हिंदी डबिंग काफी बढ़िया की गई। फैमिली के साथ इस शो को मत देखना क्योंकि इसमें आपको ड्रग वायलेंस एंड थोड़े बहुत एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर कहानी की बात करें देखो इस शो को डायरेक्ट किया मतलब प्रेजेंट किया है हिसाब से गाय रिची ने एंड गाय रिची इससे पहले इसी कहानी पर एक मूवी बनाई थी द जेंटलमैन नाम से। एंड जो ये शो आया है आप कह सकते हो कि उसी की दुनिया का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। बट डोंट वरी, इस नेटफ्लिक्स के शो को देखने के लिए आपको गाय रिची की ही पुरानी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इसमें करेक्टर, कहानी, सेटिंग सब कुछ नया है। जिसमें आपको कहानी फॉलो करनी है एडे के करेक्टर की। बाप मर जाता है जिसके बाद वो अपने घर आता है एंड घर आने के बाद भाई उसकी दुनिया बदल जाती है क्योंकि उसके बाप की जितनी भी सल्तनत थी अब उसके नाम हो चुकी है। एंड भाई जो उसकी खुशी है वो ज्यादा तक चलती नहीं है क्योंकि उसको थोड़ी देर में पता चलता है जो उसका भाई है फ्रेडी उसने एक कांड कर रखा है। अब वो कांड क्या है उस कांड को लेकर के जो आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, क्या एडी अपने भाई को बचा पाएगा एंड जो दुनिया माने के आपको 3 झाम देखने को मिलेंगे वो सब जानने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की बात करो तो देखो ये शो मुझे अच्छा लगा है। अगर आपको क्राइम ड्रामास देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस शो को एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो जो इस शो में आपको दुनिया देखने को मिलती है फ्रेडी की, एडी की, उसकी फैमिली की, वो काफी ज्यादा फन टू वॉच है। जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं भाई वो फनी है जो कि आपको कहीं ना कहीं हर एक एपिसोड में डिसेंटली एंगेज करके अपने साथ रखते हैं। फैमिली क्राइम ड्रामा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है, ड्रग्स रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है एंड उन सबको लेकर के जो 3 झाम वगैरह दिखाया गया कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन प्ले के साथ बांध के रखता है। इस कुछ एपिसोड है जो कि आपको थोड़ा ड्रैगी एंड खींचे खींचे फील होंगे बट अगर आप उनको टाइम देकर के देखो तो शायद वो भी आपको बांध के रखेंगे। कैरेक्टर्स इसके इंटरेस्टिंग है तो अगर आपको ड्रामा ड्रिवन सीरीज देखना पसंद तो इसके जो कैरेक्टर्स है अपने ड्रामा के थ्रू आपको मजा देते रहेंगे। स्टाइलिश वे के साथ डायरेक्टर ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन है वो वर्क कर जाती है। एक्शन वगैरह की बात करें तो वो आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता लेकिन इंटेंस मूवमेंट आपको जरूर हर एपिसोड में देखने को मिलते रहे। तो बहुत ज्यादा बाप लेवल के एक्शन या फिर बहुत ज्यादा धूम धड़ाके मिर्च मसाला की उम्मीद से मत जाना। ये एक ड्रामा कैरेक्टर ड्रामा ड्रिवन सीरीज है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट बना करके इसको देखने जाना। बाकी भाई सीरीज में जो आपको प्रोडक्शन वैल्यू, कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलेगी उसमें भी ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हां पर ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट कर सकती है अगर मैं उसकी बात करूं। देखो शायद मेरे हिसाब से ये शो सबको पसंद नहीं आएगा, स्पेशली जो मासी फैन है जिनको फास्ट पेस्ड एक्शन मसाला चाहिए उनके लिए शो नहीं है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप इसको इजीली स्किप कर सकते हो। भाई इस सीरीज में जो दुनिया देखने को मिलती है उसको उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा सा लेंथ जो है इसकी पर्सनली मुझे फील हुई जो कि आसानी से 2-3 एपिसोड कम किए जा सकते थे, इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी। और अपनी बातों का कंक्लूड करते हैं, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको फैमिली ड्रिवन क्राइम ड्रामास देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बट एज ए फन टू वॉच के नजरिए से आप इस शो को एक बार ट्राई कर सकते हो। मेरी बात करें तो भले ही भाई शो की जो कहानी मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश फील हुई, कुछ बीट्स है जिनको मैं प्रेडिक्ट कर ले गया था बट स्टिल जिस हिसाब से कैरेक्टर की केमिस्ट्री प्रेजेंट की गई है, जिस हिसाब से उनका ड्रामा दिखाया गया है उसने मुझे इसकी कहानी के साथ बांध के रखा था। तो ओवरऑल सीरीज की जो डायरेक्शन है एंड जो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस वो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी एंड मेरे हिसाब से जो एक नॉर्मल ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली है। एंड बस मैं इन्हीं साइज को ध्यान रखते हुए इसको रेट करूंगा 7.5 out of 10 stars। अगर आपने देख लिया है तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करो ना। मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे बाकी मैं पसंद करता हूँ वीडियो में। टिल देन बाय बाय।